वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं रिव्यू करना चाहती हूँ एक मैक का बहुत ही फेमस प्रोडक्ट, दैट इज़ मैक स्ट्रोब क्रीम। मैक के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत फेमस हैं, फॉर एग्जाम्पल रूबी वू, मैक का प्रेप एंड प्राइम, और ये भी उनमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कल्ट फेवरेट है लोगों का। मतलब जैसे ही इसकी बॉटल ख़त्म होती है लोग फटाफट नहीं बाय कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रोब क्रीम है क्या। मैक स्ट्रोब क्रीम एक इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट है जो स्किन में ब्लेंड होकर स्किन को एक शाइन नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। ये प्रोडक्ट स्किन को एक हेल्दी, हाइड्रेटिंग और रेडिएंट लुक देता है। इसके अंदर रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो शाइन करते हैं। ये शिमर नहीं है, रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स है। ये डल एंड टायर्ड फेस को एक हेल्दी लुक देने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। ये 5 शेड्स में आता है, जो आप देख रहे हैं वो है पिंक लाइट शेड। ये एक बहुत ही मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है और आप देख सकते हैं कि ब्लेंड होने के बाद ये एक बहुत ही सॉफ्ट सा ग्लो प्रोवाइड करता है, नेचुरल ग्लो फ्रॉम विद इन। अगर आप कोई हाइलाइटर बाय करना चाहते हैं, मतलब प्रॉपर हाइलाइटर जो यहाँ पे लगता है जिसके जैसे ही सन हिट करे तो एकदम आपका फेस चमचमाए, ये वो नहीं है। ये एक वो प्रोडक्ट है जिसे जब आप अप्लाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अंदर से ही ग्लो कर रहे हैं। तो एक बहुत ही नेचुरल, किसी को बहुत नेचुरल ग्लो चाहिए हो तो उसके लिए ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। स्टिल अगर आप इसको एज अ हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको आगे तरीके बताऊंगी कि आप इस स्ट्रोब क्रीम को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसे एज अ हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये एक्सपेंसिव है। मतलब जब भी आप कोई स्ट्रोब क्रीम लेने जाओ मार्केट में, आपको दिखेंगी बहुत सारी स्ट्रोब क्रीम्स जो कि इससे सस्ती होंगी। बट मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि उनकी जो क्वांटिटी है वो इससे कम होती है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करा हुआ है जिसमें मैक की स्ट्रोब क्रीम और मेबलिन की स्ट्रोब क्रीम को कंपेयर करा गया है। अगर आप मेबलिन की उतनी ही क्वांटिटी लें जितनी आपको मैक देता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 1847 रुपीस की पड़ेगा, जो कि मैक की क्रीम से कम है। लेकिन मैक हमें इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसमें विटामिन्स हैं, इसमें ग्रीन टी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन के लिए हेल्दी है। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, ये बहुत लाइट है और ये बहुत ही अच्छा रेडिएंट नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है। तो आई थिंक इसका प्राइस जस्टिफाइड है बिकॉज ऑफ ऑल द एडवांटेजेस जो मैक की स्ट्रोब क्रीम हमें प्रोवाइड करती है। अगर आपका फेस डल और टायर्ड है और आप चाहते हैं कि आप अंदर से ग्लो लुक दें तो ये बॉम प्रोडक्ट है। मतलब मेरे लिए तो होली ग्रेल प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं एक बहुत नेचुरल लुक में बिलीव करती हूँ। अदर देन मेरा हाइलाइटर दूर से ही जमके, मैं उस लुक में बिलीव करती हूँ कि मेरी स्किन हेल्दी लगे, मेरा फेस ग्लो करे। सो यस, ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है और मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करती हूँ आपको। अब हम देखते हैं किन किन तरीकों से हम ये स्ट्रोब क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको एज अ प्री मेकअप मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। आपको मेकअप अप्लाई करना हो या ना करना हो, आप इसको ऐसे ही अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स कर अपने फेस पे ब्लेंड करिए तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल हेल्दी हाइड्रेटिंग ग्लो मिलेगा। आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड और हेल्दी फील करेगी, जो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है। तो अगर आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले लगाने से आपका जो मेकअप है वो बहुत स्मूथली ग्लाइड होगा, और अगर आप मेकअप नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वे है इसको फाउंडेशन में मिक्स कर यूज करने का। इससे जो आपकी फाउंडेशन है वो बहुत ही ड्यूई और ग्लोई लुक देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपकी फाउंडेशन है वो एक टिंटेड मॉइस्चराइजर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आपको डेली यूज के लिए ये एक बहुत ही एप प्रोडक्ट है। अगर आपके पास फाउंडेशन है जो बहुत हैवी लगती है आपको, आप उसे लाइटन अप करना चाहते हैं और आप उसे एक ग्लोई लुक देना चाहते हैं तो आप ये स्ट्रोब क्रीम उसमें मिक्स करिए। वो इजी टू ब्लेंड भी हो जाएगी आपकी फाउंडेशन, लाइट भी हो जाएगी और एक टिंटेड मॉइस्चराइजर की तरह एड करेगी, जो एक बहुत ही अच्छी सी नेचुरल सी लुक देता है। तीसरा तरीका है आप अपनी लिपस्टिक को एज ए नेचुरल ब्लश यूज कर सकते हैं, एक ग्लोई ब्लश की तरह यूज कर सकते हैं। कोई भी लिपस्टिक जो आपके पास पड़ी है जो आपको फेड आउट कर देती है या आप पे अच्छी नहीं लगती है, आप उसको इस स्ट्रोब क्रीम में मिक्स करिए और उसे अपने चीक्स पे अप्लाई करिए। एक बहुत ही नेचुरल फ्लश ऑफ कलर देता है, ऐसा नहीं लगता आपने ब्लश थोपा हुआ अपने मुंह पे, ऐसा लगता है कि आप अंदर से ब्लश कर रहे हैं। तो ये एक लुक भी बहुत अमेजिंग लगती है। अब ये मेरा एक फेवरेट तरीका है इस स्ट्रोब क्रीम को यूज करने का। जनरली जब हम ऑफ शोल्डर्स या फिर कोई शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं तो अगर हमें थोड़ी शाइन चाहिए अपने कॉलर बोन्स पे या लेग्स पे, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेती हूँ और उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ। ओ माय गॉड, जो शाइन मिलती है और जब सन उस पे हिट करता है, माय कॉलर बोन्स और माय लेग्स शाइन आउट, बहुत ही प्रिटी लगता है।
अब ये लास्ट तरीका इस स्ट्रोक क्रीम को यूज करने का ये है कि आप इसे हाइलाइटर की तरह यूज करें। अगर आप इसे एज इट इज अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही सटल सा ग्लो ऐड करता है, बहुत ही धीमा धीमा सा, मतलब आपकी स्किन शाइन कर रही है पर ओवर द टॉप नहीं है। तो अगर आप इसको ऐसे ही यूज करें, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल ग्लो देता है। बट अगर आप इस क्रीम प्रोडक्ट को एक पाउडर हाइलाइटर से टॉप कर दें तो जो आपका हाइलाइटिंग गेम हो जाएगा वो टॉप नॉच हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक चीज पे मैंने अप्लाई करा है वो शाइन कर रही है और दूसरे पे मैंने नहीं अप्लाई करा है तो वो कैसे ग्लो नहीं कर रही है, मतलब आप डिफरेंस देख सकते हैं इस स्ट्रोक क्रीम का। बट यस, अगर आप इस पे पाउडर हाइलाइटर लगा दें फिर तो लेवल ही कुछ और पहुंच जाता है। अगर आप एज इट इज पाउडर हाइलाइटर यूज करेंगे तब भी उतना ग्लो नहीं आएगा, एज इट इज क्रीम प्रोडक्ट यूज करेंगे तब भी उतना ग्लो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो जो आपकी हाइलाइटिंग गेम होगी वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। तो उस चीज के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रोक क्रीम एज अ हाइलाइटर या फिर नेचुरल ग्लो गिवर। सो ये थे 5 डिफरेंट तरीके मैक स्ट्रोक क्रीम को यूज करने के। आई विल बी बैक फ्राइडे को विद अ न्यू वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।